गाड़ी में पेट्रोल तो हम सब भरवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पेट्रोल की चोरी कैसे होती है और कैसे इससे हम बच सकते हैं? आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। अभी के समय में पेट्रोल काफी इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत सारे देशों की इकोनॉमी तो चलती ही पेट्रोल और डीजल पर। भारत में ऐसे किसी ईंधन का उत्पादन नहीं होता, इसलिए इंडिया भी अपनी जरूरत का 85% ऑयल वेस्ट एशिया से ही इम्पोर्ट करता है, जबकि भारत में ऐसे तेलों की कीमत भी काफी ज्यादा होती है। और आपने सुना होगा कि काफी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की चोरी होती है, और शायद आपने भी आज जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल फिल कराया होगा उस पर भी ऐसे ही स्कैम्स होते होंगे। पंप वाले थोड़ी सी चलाकी से बहुत पैसा कमाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पेट्रोल की चोरी होती कैसे है? मान लो कि आप पेट्रोल पंप पर गए और आपने 400 का पेट्रोल फिल कराया। अब 400 का पेट्रोल फिल होने में थोड़ा समय लगता है, जैसे कि 1 से 1.5 मिनट, और ऐसे में आप बहुत गौर से मीटर देखते हैं कहीं पेट्रोल कम ना भर दिया जाए। लेकिन वहीं पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी आपका ध्यान पेट्रोल फिलिंग हैंडल पर ना देखकर होशियारी के साथ अगर सिर्फ 5 से 15 सेकंड तक ही पेट्रोल फिल करने वाला नोजल बंद कर देते हैं तो गुप्त तरीके से मशीन रीडिंग चलती रहती है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में चिप से पेट्रोल चोरी हो रहा था, इस बात का पता बाद में लगा कि वो चिप खुद पंप के ओनर ने बनवाई थी ताकि जो ग्राहक तेल डलवाने आए तो इस चिप से टैंक में जाने वाला तेल कम जाए और रीडिंग में पूरा लिखा आए। ग्राहक पैसे तो पूरे देता था लेकिन तेल कम मिलता था। और ऐसे ही एक और तरीके से मशीन में डिजिटल तरीके से छेड़छाड़ की जाती है और जिसमें एक फिक्स अमाउंट होता है 50, 100, 150 या फिर 200 वगैरह वगैरह, जैसे राउंड फिगर नंबर्स में तेल डलवाने पर तेल कम आता है, इसलिए हमेशा रैंडम नंबर पर तेल भरवाएं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पंप पर ऑयल चोरी कैसे होती है। अब समझ लेते हैं कि इस चोरी से कैसे बचे। सबसे पहले तो जिस पेट्रोल पंप पर न्यू मीटर वाली मशीन लगी होती है उससे पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि पुराने मशीन में स्कैम्स करने का बहुत तरीके होते हैं और न्यू मशीन में गवर्नमेंट की तरफ से न्यू मशीन में काफी सावधानी बरती जा रही है। और वैसे भी बिना डिजिटल मीटर वाली मशीन पर चोरी करना आसान होता है, और अगर मशीन का मीटर बहुत तेज चलता है तो समझ जाओ कि कोई मैटर जरूर है। अगर तेज चलता है तो तेल कम आता है। काफी जगह पर यह भी एक स्कैन किया जाता है, इसीलिए पेट्रोल डलवाते समय पंप कर्मचारी से मशीन की स्पीड को स्लो करने को कहें, और जब भी पेट्रोल फिल करवाने जाएं तो ट्राई करें कि आपकी गाड़ी की टंकी हाफ हो। काफी लोग टंकी खाली होने पर ही जाकर फिल करवाते हैं। टंकी खाली होने की वजह से एयर भर जाती है और टंकी में और पेट्रोल फिल करते समय एयर की वजह से पेट्रोल कम आता है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाते समय गाड़ी से उतरकर पेट्रोल मशीन पर और कर्मचारी से पूरी नजर रखें, जिससे कर्मचारी सतर्क हो जाए और स्कैम करने की कोशिश नहीं कर सके। उसको पता होता है कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पेट्रोल चोरी कैसे होता है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। तो हमारी मेहनत और रिसर्च पसंद आई हो तो हमारी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।